हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। वेलकम एवरीवन, आज हम देखते हैं 26 फीट बाय 52 फीट का एक हाउस प्लान जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है। ये स्क्वायर फीट में 1352 स्क्वायर फीट पे ये हमारा घर प्लॉट है। अब क्लाइंट के हिसाब से हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं। इनको 4 बेडरूम, हॉल, किचन एंड कॉमन बाथरूम चाहिए। अब हम देखते हैं ये प्लान के हिसाब से, ये प्लॉट के एरिया के हिसाब से हम 4 बेडरूम, हॉल, किचन एंड बाथरूम कैसा प्लेस कर पाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक हमारी रोड है। प्लॉट के राइट साइड पे एक रोड मिल जाती है और एक फ्रंट में एक रोड मिल जाती है। यहाँ पर इन्होंने सेटबैक छोड़ा हुआ है 2 फीट का। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वेंटिलेशन के लिए। वेंटिलेशन हर रूम, बेडरूम, किचन, हॉल और बाथरूम में सब में प्रोवाइड होना चाहिए ताकि अच्छे से वेंटिलेशन हो पाए, वरना एग्जॉस्टेड फील होता। तो पहला ध्यान ये रखना चाहिए कि वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि 4 BHK इस प्लॉट के हिसाब से कैसा सेट होता। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, डेट मीन्स ग्राउंड फ्लोर ऑलरेडी बिल्ड करे हुआ है, तो इसमें कॉलम्स ऑलरेडी प्लेस्ड है। तो कॉलम को ध्यान में रखते हुए मैंने प्लान बनाया है। लेट्स सी हाउ इट्स डन। ओके, तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से प्लान रेडी किया है। यहाँ हमारी एंट्रेंस है, ये हमारे स्टेयरकेस हो गए। मैंने यहाँ पर 4.8 फीट की बालकनी छोड़ी हुई है। यह हमारा मेन एंट्रेंस हो गया। मैंने एक दरवाज़ा बालकनी में से भी छोड़ा जो कि हमारे बेडरूम की तरफ जाता है। और ये मेन डोर है, यहाँ पर मैंने ड्राइंग रूम रख दिया है। यहाँ हम बेडरूम नहीं रख सकते क्योंकि यही एक एंट्रेंस है जो कि हॉल में, हॉल के लिए भी है, तो इसीलिए मैंने इसको ड्राइंग रूम रख दिया है, या गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं। गेस्ट वगैरह है तो हम यहाँ पर बिठा सकते हैं। आगे बढ़ने के बाद मैं इसको थोड़ा जूम कर बताऊँगा आपको और ठीक से समझ में आएगा। देखिए यह हमारा एंट्रेंस हो गया, ये स्टेयरकेस है। यहाँ पर बालकनी मैंने 4 feet 8 inches की बालकनी छोड़ी है। ये कॉलम्स ऑलरेडी प्लेस्ड हुए हुए थे जो कि ग्राउंड फ्लोर इसी पर बना हुआ है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान बनाया है। ये हमारी बालकनी होगी, ये हमारा एंट्रेंस है ड्राॅइंग रूम की। ये एक मैंने छोटा सा डोर दिया है, बालकनी में से भी हम रूम में इंटर हो सकते हैं, बेडरूम में। ये हमारा हॉल है, ड्राइंग रूम का साइज़ मैंने 12 feet 9 inches by 10 inches रखा है। इतने प्लान के हिसाब से मुझे ये ठीक लगा। बेडरूम ये एक चिल्ड्रन बेडरूम है, इसलिए छोटा बेडरूम रखा है। मैंने 10 feet 11 inches by 10 feet 3 inches का आया है। ये मैंने इसलिए इतना रखा है क्योंकि यहाँ पे कॉलम आ रहा था, कॉलम के कॉर्नर पे मैंने इतना रखा, चिल्ड्रन बेडरूम है। यहाँ पर हॉल में हम एंट्रेंस होते हैं। हॉल 7 feet 7 inches by 14 feet 6 inches का बड़ा सा हॉल, स्पेशियस हॉल हमें मिल जाता है। राइट में मैंने एक वॉशरूम रखा है जो कि 8 feet by 4 feet 6 inches का है, काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर एक डक ले आया मैंने क्योंकि यहाँ पर हमारी एक रोड आ जा रही है, यहाँ पर हमें वेंटिलेशन यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे सेटबैक की वजह से मिल जाएगा। यहाँ पर वेंटिलेशन नहीं मिल रहा था इसीलिए मैंने यहाँ पर डक छोड़ा है। किचन का वेंटिलेशन डक में से मिल जाएगा। हम यहाँ पर भी हम एक विंडो दे सकते हैं हॉल के लिए, लेकिन मैंने बड़ी विंडो यहाँ पर दी हुई है इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं दी। यहाँ मैंने एक छोटा सा वॉश बेसिन लगाया है ताकि जो वॉशरूम यूज़ करें उनके लिए, या फिर कुछ और काम के लिए यूज़ हो सकता है। किचन का साइज़ आप देख सकते हैं 7 feet by 8 feet, छोटा सा किचन है। यहाँ हम इसको और भी बड़ा कर सकते हैं बट क्लाइंट के हिसाब से इतना काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं, 2 रूम है। ये मास्टर बेडरूम है जिसके अंदर अटैच बाथरूम है। एक रूम का साइज हमारा 14 feet 5 inch by 14 feet है और दूसरे रूम का साइज 10 feet 3 inches by 14 feet है। इसके दोनों की लंबाई 14 feet है, दोनों की लंबाई सेम है। मैंने वार्डरोब भी डिज़ाइन किया हुआ है, यहाँ पे 2 feet by 8 feet 2 feet by 8 feet के वार्डरोब भी मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। बाथरूम ये छोटा रूम है इसीलिए छोटा बाथरूम जो कि 6 feet 10 inches by 3 inches और 10 feet by 3 feet का, यहाँ पर बड़ा वाला बाथरूम मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। और उसमें वेंटिलेशन विंडोज़ वगैरह है, उसकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ।
ये रही इसकी डिटेल्स, आप देख सकते हैं डोर वन यानी डी वन, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं डी वन डोर का साइज हो गया। डोर डी टू यानी ये डोर है, इसका साइज मैंने यहाँ पर लिख दिया। नंबर्स यानी डोर वन हमारे, डोर डी वन यानी कितने, ये प्लान में कितने बार डी वन इस्तेमाल हुआ है, यानी दो डोर डोर ऐसे हैं जो ये साइज़ के हैं, और चार डोर ऐसे हैं जो डी टू साइज़ के हैं, और चार डोर ऐसे हैं जो डी थ्री साइज़ के हैं। सब डोरों के साइज़ अलग अलग हैं। ये 2 फीट का डोर मैंने बाथरूम और किचन्स में यूज़ किया है। और ये विंडो हो गई, विंडो 1, 2, 3, तीन अलग अलग साइज़ के विंडो हैं। ये बड़ी विंडो मैंने हॉल में प्लेस की है, यहाँ आप देख सकते हैं, और बाकी के विंडोज़ मैंने रूम और किचन में प्लेस किए। वेंटिलेशन का साइज़, सबका साइज़ मैंने एक रख दिया है V1। और पूरे वेंटिलेशन मैंने कॉमन रख दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे बाथरूम में, किचन में और ये बाथरूम में पूरा वेंटिलेशन सेम है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये प्लान, आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको दूसरे साइज़ का प्लान चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट पढ़ के उसके हिसाब से प्लान बनाने की कोशिश करता हूँ। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो कैसा लगा प्लान आपको, देखिए और कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, कमेंट करिए कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।